हाय फ्रेंड्स, मैं रितु नागपाल। देखिए, एक और डिज़ाइन जो है किसी ने भेजा है। इस तरीके का डिज़ाइन आप ये देखेंगे, ऐसा डिज़ाइन है कि ये डिज़ाइन कैसे डाला जाए। ये आप डिज़ाइन जो है शॉल पे, कार्डिगन पे, बच्चों की फ्रॉक पे आराम से जो है ये डाल सकते हो। बहुत सुंदर और बहुत खूबसूरत लगेगा। आप देखिएगा, ये जो है इस तरीके का ये बेसिकली ग्राफ है जिसमें मैं देखकर बनाऊंगी, जो मैंने थोड़ा सा ये ट्राई किया था इसे देखकर। अब ये कैसे बनेगा, ये 12 स्टिचेस का डिज़ाइन है जिसे आपने मल्टीपल करते हुए जाना है। तो देखिएगा कैसे बनेगा इसे। अब यहाँ पे मैंने इसमें 12 स्टिच डाले हैं। अब देखिए, ये जो डिज़ाइन है मैं इसे ही देख के बनाऊँगी, जो ये इस तरीके से ये बना हुआ है इसे देख कर बनाऊँगी। 12 स्टिचेस का डिज़ाइन है ये। मैं थोड़ा सा आपको बता भी दूँ कि ये किस तरीके से जो डिज़ाइन है आप बना सकते हैं। अगर आप कभी इस तरीके का कोई आपको मिल जाता है डिज़ाइन इस तरीके के ग्राफ में, तो ये देखिएगा, ये जो है ये होते हैं ये हमारे हो जाए जहाँ हम जाली डालते हैं, ये जाली वाले होता है। ये फंदे हमारे सीधे होते हैं और ये वाले फंदे जो ऐसे एरोज इस तरीके से दिखा रही है, 2 का 1 है, 2 का 1 है। अब ये देखें, यहाँ से हमारा डिज़ाइन शुरू हो रहा है, जाली, फिर 2 का 1, फिर 1 2 3 4 5 6 7 फंदे सीधे, फिर 2 का 1, फिर जाली और फिर 1 फंदा सीधा। ये हमारे 12 फंदे हैं जो हमें रिपीट करने हैं। और ये बता दूं कि ये जो डिज़ाइन है ये दोनों तरफ से चढ़ेगा। तो देखिए किस तरीके से इसे हम बनाएंगे। अब देखिए, पहला जो है मैंने दो डिज़ाइन डल जाए इतने मैंने इसमें फंदे डाले हैं। अब पहला फंदा तो मैं उतारूँगी और यहाँ से मुझे डिज़ाइन शुरू करना है। तो डिज़ाइन यहाँ से शुरू करने के लिए आपने जाली डालनी है, तो धागा अपनी तरफ करके इन 2 फंदों को 2 का 1 करना है। तो इसे उतार के सीधा कीजिएगा और इन 2 को ऐसे 2 का 1। अब यहाँ से 7 फंदे हमारे सीधे बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब यहाँ से ये 2 फंदे हमारे 2 का 1 होगा इस तरीके से ऐसे। फिर यहाँ पे आपने जाली डालनी है और 1 फंदा सीधा। तो ये 12 फंदे हैं जो हमें रिपीट करते हुए जाना है। पहला छोड़ने के बाद जो फंदे हैं ये हमें रिपीट करते हुए जाना है। अब यहाँ से मेरी रिपीटेशन शुरू है। तो जाली डालने के लिए धागा अपनी तरफ और आपने ये 2 फंदे 2 का 1 करना है इस तरीके से ऐसे। 7 फंदे आपने सीधे बनाने हैं, 1 1 2 3 4 5 6 और ये 7। फिर इन 2 को 2 का 1 करेंगे आप इस तरीके से ऐसे। यहाँ पे जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ और 1 फंदा सीधा और इसके बाद का ये हमारा लास्ट का फंदा है। अब देखिए, इसमें दोनों तरफ डिज़ाइन डल रहे हैं तो उल्टी लाइन में भी डिज़ाइन डलेगा। अब उल्टी लाइन में क्या करना है, ये तो हमारा एक्स्ट्रा फंदा है, इसे आप उतारेंगे। अब यहाँ से जो है आपका डिज़ाइन शुरू है। पहला फंदा आप ऐसे सीधा बनाएंगे। अब यहाँ पे जाली डालेंगे, तो जाली आपने ऐसे डालनी है, देखिए इस तरीके से। इस जाली से पहले जाली डालेंगे तो ऐसे डालनी है और इस फंदे को आपने उल्टा बनाना है। ये फंदा भी आपने पहला उल्टा बनाया, उल्टी तरफ उल्टा बनेगा, सीधी तरफ सीधा बनेगा। ये उतारा। अब यहाँ पे आपने इन 2 फंदों को जो है 2 का 1 करना है। अब आपने यहाँ पे जो है इन 2 को 2 का 1 करना है इस तरीके से। अब 5 फंदे सीधे उल्टे बनेंगे, 1 2 3 4 5। फिर जो ये 2 फंदे हैं इन्हें भी 2 का 1 करना है, लेकिन यहाँ से ऐसे इस तरीके से यहाँ से डाल के करना है, यहाँ से नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 2 का 1 किया आपने ऐसे। अब जो है ये फंदा आपका 1 उल्टा बनेगा। अब यहाँ पे जाली डलेगी ऐसे, अगेन 1 फंदा उल्टा, यहाँ से रिपीटेशन है तो जाली डलेगी और 1 फंदा आपने ऐसे उल्टा बनाया और यहाँ पे इन 2 को आपने 2 का 1 किया इस तरीके से। 5 फंदे उल्टे बनाए, 1 2 3 4 5। फिर इन 2 को 2 का 1 करना है, बट यहाँ से ऐसे सीधी तरफ से ऐसे सलाई डाल के ऐसे 2 का 1 किया। 1 फंदा आपने उल्टा बनाया और यहाँ पे आपने जाली डालनी है ऐसे और ये फंदा उल्टा बनाया। आ जाइए नेक्स्ट लाइन पे। देखिए, जाली वहीं डलेगी दोनों तरफ उल्टे सीधे जहाँ पे डली है, ये देखेंगे आप ऐसे। अब आ जाइए सीधी लाइन पे, पहला उतारेंगे और यहीं पे आपने जाली डालनी है, तो धागा अपनी तरफ करके अब ये फंदे हमारे सीधे बनेंगे, 1 और 1 2। फिर ये 2 फंदे आपने 2 का 1 करना है, इसे उतार के सीधा करके 2 का 1 किया ऐसे। अब तीन फंदे सीधे बनेंगे, एक दो तीन। फिर यहाँ से आपने दो का एक किया ऐसे, अब फिर से जो है यहाँ पे तीन फंदे सीधे बनेंगे, दो फंदे सीधे बनेंगे, एक और एक दो। अब यहीं पे एग्जैक्टली जाली डलेगी, तो धागा अपनी तरफ, ये फंदा आपने सीधा बनाया। अब यहाँ से आपकी जो है रिपीटिशन है, जाली डालने के लिए धागा अपनी तरफ, दो फंदे सीधे, फिर दो का एक करेंगे आप ऐसे, फिर तीन फंदे सीधे बनाएंगे, फिर दो का एक करेंगे आप ऐसे, फिर दो फंदे सीधे बनाएंगे और यहाँ पे एग्जैक्टली सेम जगह पे जाली डालेंगे, धागा अपनी तरफ जाली के लिए और दो फंदे ऐसे ये आ गए। अब आ जाइए, पलट लीजिए। ये मैंने एक फंदा एक्स्ट्रा रखा है, अगर आप इसमें ज़्यादा अपने कार्डिगन में डालेंगे या किसी में तो ये एक फंदा एक्स्ट्रा मत रखिएगा, दोनों के साइड पे रखिएगा, वैसे मत रखिएगा, रिपीटेशन आपने यहाँ से करनी है। अब आ जाते हैं उल्टी साइड पे। अब फिर से वही पहला उतारा, अब आपने जो है इस फंदे को उल्टा एक बनाना है, फिर यहाँ पे जाली डलेगी ऐसे और एक दो तीन, तीन फंदे आपके उल्टे बने। अब फिर से ये दो फंदे आपके, दो का एक हुआ इस तरीके से उल्टे में, एक फंदा उल्टा, अगेन दो का एक, बट यहाँ से ऐसे, देखिए यहाँ से ऐसे डाल के इस तरीके से दोनों में डालिएगा, ये ऐसे ऐसे, ये देखिए ये ऐसे डाल के फिर दो का एक कीजिएगा। अब अगेन यहाँ से एक दो तीन फंदे उल्टे, एग्जैक्टली सेम जगह पे जाली डालेगी, तो जाली डाली, एक फंदा उल्टा, यहाँ से रिपीटेशन है, जाली डाली और एक दो तीन फंदे उल्टे, ये दो का एक किया, एक फंदा उल्टा बनाया, अगेन दो का एक किया बट यहाँ से बैक साइड से ऐसे, फिर एक दो और ये तीन फंदे उल्टे बनाए और फिर जाली डाली, ये तीन बनाए, फिर जाली डाली, एक फंदा उल्टा, ये देखें अभी इस तरीके से आया है, देखें ऐसे। अब फिर से आ जाइए सीधी लाइन पे, पहला उतारने के बाद जाली यहीं पे डालेगी, तो धागा अपनी तरफ, अब ये फंदे सीधे बनेंगे, एक दो तीन चार, ये बनाया आपने। अब तीन का एक करना है, तो पहला उतारेंगे, इन दो को आपने दो का एक किया और ये उतारा हुआ फंदा इसके ऊपर से उतार दिया। अब फिर से ये चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार, यहीं पे एग्जैक्टली जाली डलेगी, तो धागा अपनी तरफ, इसे सीधा बनाया, यहाँ से रिपीटेशन है, जाली डलेगी, चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार, फिर तीन का एक करना है, पहला उतारा, दो को आपने दो का एक बनाया, उतारा हुआ फंदा इसके ऊपर से ले लिया, चार फंदे आपने सीधे बनाए और यहाँ पे आपने एग्जैक्टली सेम जगह पे जाली डाली और ये फंदा एक सीधा, इसके बाद रिपीटेशन आपकी शुरू है। अब देखिए ऐसे आया है, अभी देखिए थोड़ा सा दिखा दूँ आपको, ये देखिए। अब उल्टी लाइन में हमें ये जो एक फंदा हमने तीन का एक किया, यहाँ पे जाली डालनी है और ये फंदे हमारे जो है सीधे बनेंगे ऐसे, देखिए यहाँ पे हमारे वो बनेगा और यहाँ पे सीधे बनेंगे। अब कैसे बनेंगे एक बार देख लीजिए आप, अभी तो है। अब पहला फंदा आपने नेक्स्ट लाइन पे ये उतारा, अब हमें यहाँ से जो है चार फंदे उल्टे बनेंगे, एक दो तीन चार फंदे उल्टे बनाए। अब ये जो सिंगल फंदा है जो तीन का एक किया था हमने, उसके आसपास तो जाली डालनी है, उससे पहले जो दो फंदे हैं उन्हें आपने इस तरीके से दो का एक करना है, ये ऐसे लिया आपने, दो का एक किया, एक फंदा उल्टा बनाया, फिर से जाली डालेंगे और दो का एक करेंगे ऐसे, तो यानी कि ये जो सिंगल फंदा हमने तीन का एक किया था इसके आसपास आपने दो का एक करना है और साथ में जाली डालनी है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। देखिए फिर से दोबारा एक बार यहाँ बता दूँ, क्योंकि यहीं पे थोड़ी गड़बड़ हो जाती है जब हम इसको करते हुए जाते हैं। उल्टे में पहला तो उतारा, वो एक्स्ट्रा फंदा था, एक दो तीन चार फंदे आपने उल्टे बनाए, फिर आपने दो का एक किया बैक साइड से, जाली डाली, एक फंदा सिंगल बनाया, जाली डाली और फिर से दो का एक किया फ्रंट से। अब फिर से चार फंदे आपने जो है उल्टे बनाने हैं, एक चार नहीं तीन फंदे हैं, दो और ये तीन देखेंगे। अब यहाँ से फिर से वही है, चार फंदे आप, रिपीटिशन है तो चार फंदे आपके यहाँ पे उल्टे बनेंगे, एक दो तीन चार, फिर आपका बैक साइड से दो का एक होगा इस तरीके से, ऐसे ये लिया आपने, दो का एक किया। अब यहाँ पे जाली डलेगी तो धागा लपेटेंगे, एक फंदा उल्टा, जाली डलेगी धागा लपेटेंगे और दो का एक करेंगे ऐसे उल्टे में, फिर एक दो और तीन फंदे उल्टे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा क्योंकि यही इसी लाइन पे थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है, बाकी कहीं नहीं होती है, इस लाइन पे गड़बड़ी हो जाती है क्योंकि मेरे से भी दो तीन बार इस लाइन पे गड़बड़ी हो गई है। अब देखिए फिर से आगे सीधे लाइन पे पहला फंदा उतारेंगे, अब ये वाले फंदे आपके जो है सीधे बनेंगे क्योंकि अब जो है हमारा जाली तो एग्जैक्टली सेम जगह पे डलेगी पर यहाँ से ये घटते हुए जाएंगे। तो आपके एक दो, दो फंदे आपने सीधे बनाए, इन दो को आपने ऐसे दो का एक किया इस तरफ, फिर एक फंदा सीधा बनाया। अब जाली एग्जैक्टली सेम जगह पे डलेगी तो धागा अपनी तरफ, इस पे जाली, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा सीधा। अब ये और ये जो है दो का एक करना है तो इसे उतार के सीधा करेंगे, इन दो को आपने दो का एक करना है और ये फंदे सीधे बनेंगे, एक दो तीन चार पाँच। फिर ये जो दो फंदे हैं इनको आपने यहाँ से दो का एक करना है ऐसे। अब एक फंदा आपका जो है जाली डलेगी ऐसे, दो का एक करने के बाद एक फंदा आपका सीधा बनेगा, फिर यहीं पे एग्जैक्टली जाली डलेगी तो धागा अपनी तरफ, इसे सीधा बनाया, फिर जाली डलेगी, धागा अपनी तरफ, इसे सीधा बनाया और यहाँ से दो का एक करना है ऐसे और यहाँ पे आपके एक दो और तीन फंदे सीधे हैं। ये देखिए इस तरीके से भी आया है। अब आ जाइए नेक्स्ट लाइन पे, उल्टी लाइन पे। अब ये उतारेंगे और यहाँ पे आपने जो है एक दो तीन फंदे उल्टे बनाएंगे, एक दो, दो फंदे, दो फंदे उल्टे बनाए। अब इन दोनों को आपने दो का एक किया है तो आपने बैक साइड से इनको दो का एक करना है ऐसे, फिर ये फंदे आपके उल्टे बनेंगे, एक और एक दो, और यहाँ पे आपकी जाली डलेगी ऐसे, फिर एक फंदा उल्टा बनेगा, अगेन जाली डलेगी और दो फंदे उल्टे बनेंगे, एक और एक दो। अब यहाँ से इन दोनों को आपने दो का एक करना है ऐसे, ये किया, फिर तीन फंदे उल्टे, एक दो और तीन। अगेन जो ये दो है इनको इस साइड से आपने दो का एक करना है ऐसे, फिर दो फंदे उल्टे, एक और एक दो। यहाँ पे जाली डलेगी, एक फंदा उल्टा बनेगा, अगेन जाली डलेगी, दो फंदे उल्टे बनेंगे, एक और एक दो, और यहाँ पे दो का एक होगा ऐसे, फिर ये एक उल्टा और ये लास्ट का फंदा। ये देखिए इस तरीके से आया अभी। अब आगे फिर से सीधी लाइन पे पहला उतारेंगे और इन दो को आपने दो का एक करना है ऐसे, ये देखिए, फिर एक दो तीन, ये तीन फंदे बनाए। यहाँ पे आपने जाली डालनी है तो धागा अपनी तरफ, इसे आपने सीधा बनाया, यहाँ जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ और एक दो तीन सीधे बनाए, फिर इन दो को आपने दो का एक करना है तो इसे उतार के सीधा कीजिएगा, इन दो को आपने दो का एक करना है, एक फंदा सीधा बनेगा, अगेन इन दो को आपने दो का एक करना है। अब यहाँ पे ये फंदे सीधे बनेंगे, एक दो तीन, और यहाँ पे जाली डलेगी तो धागा अपनी तरफ, और इस पे आपने जाली डाली, अगेन जाली डलेगी, धागा अपनी तरफ और एक दो तीन फंदे सीधे, और यहाँ पे ये दो का एक हो जाएगा, फिर ये एक फंदा और ये लास्ट का फंदा। देखिए ये ऐसे आया है अभी। अब आ जाइए नेक्स्ट लाइन पे। नेक्स्ट लाइन वही है, पहला आपने उतारा और यहाँ से आपने दो का एक किया ऐसे, ये कर लिया, फिर ये फंदे आपके उल्टे बनेंगे, एक दो तीन चार। यहाँ पे जाली डलेगी, ऐसे लपेटा, एक फंदा उल्टा, जाली डलेगी, धागा लपेटा और फिर एक दो तीन चार उल्टे बनाए, 3 का 1 करना है, बेसिकली 2 का 1 नहीं करना। अब यहाँ पे हमने 3 का 1 करना है, तो आप तीनों को पकड़ के इस तरीके से 3 फंदों को ऐसे 3 का 1 कीजिएगा। फिर ये उल्टे बनेंगे 1 2 3 4। अब यहाँ पे जाली डलेगी, 1 उल्टा, अगेन जाली डलेगी, 1 2 3 4। फिर ये 2 का 1 होगा इस तरीके से, ये देखिएगा। तो देखिए इस तरीके से ये डिज़ाइन बन गया। अब जो मैंने पहली लाइन से बोला था एग्जैक्टली सेम वही है, एक लाइन करके दिखा देती हूँ आपको एग्जैक्टली, फिर सेम वही है। अब फिर से एक बार दिखा देती हूँ आपको पहली लाइन जो हमने की थी। पहला फंदा उतारने के बाद आपने यहाँ पे जाली डालनी है और इन 2 को 2 का 1 करना है ऐसे। फिर 7 फंदे आपके सीधे बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। फिर इन 2 को आपने 2 का 1 करना है ऐसे, और यहाँ पे आपकी जाली डलेगी और 1 फंदा सीधा बनेगा, ये देखिए। अब यहाँ से फिर से रिपीटेशन है, जाली डलेगी, 2 का 1 होगा ऐसे, 7 फंदे आपके सीधे बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। फिर 2 का 1 होगा, जाली डलेगी और 1 फंदा सीधा। तो देखिए ये फिर से मैंने पहली लाइन जो आपकी जो यहाँ से बताई थी वो की है। तो ऐसे आपका डिज़ाइन जो है चढ़ता हुआ जाएगा। पत्ते का डिज़ाइन है बेसिकली, आप कह लीजिए चिनार की शेप भी ले रहा है ये। अगर आप ये देखेंगे, ये बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन है और बहुत जल्दी बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस जो मैंने लाइन आपको बताई उस लाइन पे आपने थोड़ा सा इसे जो है वहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो ये इस तरीके का आपका डिज़ाइन जो है बनता हुआ जाएगा। तो चलिए फिर बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा सबके साथ। थैंक यू।